हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपको पता लग गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो फाइनली हमारा स्कूल खुलने वाला है, ये हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। वो भी कैसे खुलेगा वो भी मैं आज बताऊंगा। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सितंबर 1 से नवंबर 14 तक सारे स्कूल खुले जाएंगे, वो भी फेज वाइज खुले जाएंगे। फेज वाइज मतलब देखिए, पहले क्या होगा, जो क्लास 10 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं, क्लास 10 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं, वो पहले आएंगे फर्स्ट फेज में। वो भी सितंबर पहले फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर फिर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की गई है। ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक सेक्शन में, कोई एक क्लास में मान लीजिए 4 सेक्शन है, ABCD, ठीक है, ABCD ऐसे करके अगर 4 सेक्शन है, तो क्या होगा, एक दिन में 2 ही सेक्शन के बच्चे आएंगे। एक दिन में 2 ही सेक्शन के बच्चे आएंगे, वो भी फिर 2 फेज में आएंगे। एक दिन में 2 सेक्शन एंड 2 फेज। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहले क्या होता था, हमारा जो सिस्टम है, हमारा स्कूल का टाइम 5 to 6 आवर होता था। तो अब क्या होगा, वो 2 से 3 आवर होगा। एक दिन में आप जो स्कूल जाओगे वो 2 से 3 आवर होगा। वो कैसे होगा, देखिए मैंने बताया आपको, एक दिन में 2 सेक्शन के बच्चे आएंगे, वो भी 2 फेज में आएंगे। तो कैसे आएंगे, मान लीजिए एक दिन में, सपोज मान लीजिए ए एंड सी सेक्शन के बच्चे आए, ठीक, वो कैसे आएंगे 2 फेज में। देखिए ये जो स्कूल होगा, अब पहला फेज होगा 8 AM से 11 AM तक, 8 AM से 11 AM तक, सुबह के 8 से 11 तक। वहां पर क्या होगा, ए एंड सी सेक्शन के आधे बच्चे आएंगे, मतलब ए से भी आधा एंड सी से भी आधा, वो इस फेज में आएंगे 8 से 11 में, ठीक। फिर उसके बाद 1 आवर का ब्रेक होगा, 1 आवर का ब्रेक होगा, ठीक। फिर 1 आवर का ब्रेक होने के बाद फिर 12 PM से, 12 PM से फिर 3 आवर्स। देखिए 8 से 11 3 आवर्स है ना, 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 11, ठीक। यहाँ पर फिर 12 PM से स्टार्ट करके फिर 12 से 3, मतलब 12 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3, 12 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। सो 12 PM टू कितना होगा, 3 PM, और एक फेज बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे, ठीक। 8 से 11 एक फेज, फिर उसके बाद 12 PM से 3 PM, वही जो वहां पर आधे आएंगे, फिर जो 1 आवर ब्रेक के बाद फिर आधे बच्चे इस टाइम पर आएंगे, ठीक। ये वो स्कूल को गाइडलाइन दी जाएगी, वो यहाँ पर वो प्लानिंग वो करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट डे पर फिर उसी तरीके से कौन से सेक्शन आएंगे, सेक्शन B एंड सेक्शन D, वो भी फिर उसी तरीके से ऑल्टरनेटली आएंगे। फिर वहाँ 8 से 11 तक एक फेज, बी और सी डी से कुछ बच्चे, आधे बच्चे आएंगे, फिर 12 PM से 3 PM फिर आधे बच्चे आएंगे, ऐसे करके क्लासेस स्टार्ट होगा स्कूल पर, ठीक। यही यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है। तो ये जो फेज वाइज है, वो फेज तो पहले तो 10 से 12 तक होगा, फिर उसके बाद क्लास 6 से क्लास 9 तक के बच्चे आएंगे, फिर आखिर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब पूरा जो लोअर लेवल है, वो सारे क्लास आएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे, मतलब ये पहले 15 दिन पर ये 10 से 12 आएंगे, फिर 15 दिन के बाद फिर क्लास 6 से क्लास 9 तक आएंगे बच्चे, फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं फिर क्लास 5, मतलब जो 1 से 5 तक, वो आएंगे। ये यहाँ इस वो मीटिंग पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग पर ये सारे स्टेट के साथ ये डिसाइड किया है, ठीक। पर ये तो ये गाइडलाइन है, फिर फाइनली ये डिसाइड किया है कि फाइनल डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, ये नहीं कि जो यहाँ पर गाइडलाइन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो फॉलो करना है। फिर हाँ, ये तो गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा उन्हें, पर जो स्कूल का डेट्स होगा, कहाँ कब खोलेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करे, ठीक। तो यही यही मैं आपको बताने के लिए आया था। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर
अगर इसका पूरा और कुछ स्पेसिफिक डेट भी मेंशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, जैसे कि सारे बच्चों को ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।